भारत सरकारच्या आधार कार्डनेच केले निराधार. आधार कार्ड दुरुस्तीसाठी एका व्यक्तीची 8 वर्षापासून सुरू आहे पायपीट. भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण अंतर्गत भारत सरकारने देशातील प्रत्येक नागरिकांना आधार कार्ड बहाल केले. आज हेच आधार कार्ड प्रत्येक ठिकाणी ओळखपत्र म्हणून गृहीत धरले जाते. दरम्यान देशातील प्रत्येक नागरिकांपर्यंत पोहोचले असले तरी अनेक नागरिकांच्या कार्ड मधील त्रुटी आणि चुका हे काही केल्या दुरुस्त होत नसल्याने हे कार्ड कुठेच लिंक होत नाही. बँकेचे काम असो की कुठले कार्यालयीन काम असो, लिंक न होणारे आधार कार्ड कुठेच मान्य होत नाही. त्यामुळे या आधार कार्ड मुळेच निराधार होण्याची पाळी देशातील अनेक नागरिकांवर आली आहे. याचे धक्कादायक उदाहरण चंद्रपूर जिल्ह्यातील बल्लारपूर शहरात बघायला मिळाले आहे. पाहूया आमचे प्रतिनिधी नरेंद्र सोनारकर यांचा रिपोर्ट. क्या बताएंगे आप, ये जो बोगस काम हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से? हाँ, ये है मेरा आधार कार्ड अजय सिंह सिंगर के नाम, फोटो मेरा ही है. और ये है उसका विठल गणेश आत्राम का, इसका भी फोटो मेरा ही है. दोनों को एक ही नंबर दिया गया. दोनों के क्या नंबर दिया गया है? ये नंबर है 6061-8251-8915. ये नंबर, ये भी इनका नाम क्या है? इनका नाम है विठ्ठल गणेश आत्राम, ये बल्ला शाह में रहते. अच्छा. और ये मैं अजय सिंह मनोज सिंह सिंगर. एक ही जगह काम करते थे आप? एक ही फैक्ट्री में काम. थोड़ा डिटेल बताओ कब निकाले, क्या हुआ? हम अभी 7-8 साल पहले निकाले जी. दादा भाई पॉटर. हाँ, दोनों के एक साथ आएंगे कार्ड भी? नहीं, पहले मेरा आया. हाँ, तो मेरे कार्ड मेरा था, मेरा नाम था, मेरा मोबाइल नंबर था, नंबर एक का फोटो उसका था जी. मैं करेक्शन करा लिया फोटो. हाँ. उसके बाद उसका कार्ड आया उसके नाम का, उसके भी मेरा फोटो था. पूरे देश में एक व्यक्ति को एक ही नंबर मिलना चाहिए, लेकिन दो नंबर मिलने से आपको क्या क्या नुकसान सहन करना पड़ा? थोड़ा बाद में मैच किए तो ये नंबर उसका लिंक हो गया जी. तो मैं भी पहले जब सब जगह दे दिया था तो मेरे पैसे पूरे उसके अकाउंट में जा रहे थे. बाद में जब ख्याल में आया तो मैंने कैंसिल कर दिया, बंद कर दिया मेरा. अभी मेरा कैंसिल है, नहीं निकाला. बाद में मेरे 8-10 बार निकाला, नहीं निकल रहा, मेरा मैच भी नहीं हो रहा. उसका जहाँ भी आधार कार्ड की जरूरत पड़ती तुम्हारा लिंक नहीं हो पा रहा. आधार कार्ड अभी भी यूज़ कर रहा मैं, पर मैं लिंक नहीं हो रहा मेरा, होता ही नहीं, कैंसिल है जी. आपका नाम तो है ही नहीं हो तो नहीं, क्या 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 कहेंगे आप? ये जो प्रक्रिया हुई है आधार कार्ड, सबसे बड़ा क्या जो ये नंबर गवर्नमेंट से इशू होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से जी. ये गवर्नमेंट की सबसे बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती है. इस वजह से मैं पिछले 7-8 सालों से सब मेरे काम के सब दुनिया भर का नुकसान हो गया और मेरा आधार कार्ड ही नहीं है. नहीं तो आपका अगर नुकसान हो तो कोर्ट में जाएंगे क्या इस विषय को लेकर? क्योंकि गंभीर विषय है, आपके जिंदगी से के साथ में 8 साल से जो खिलवाड़ हो रहा है, तो आप इस विषय में क्या कदम उठाएंगे आगे? आगे कलेक्टर ऑफिस में दिया हुआ, 1 महीना हो गया जी, उधर से कोई जवाब नहीं आया. बोले तुम्हें चक्कर मारना पड़ेगा. 2-4 बार गया, मिलते ही नहीं कोई. इसमें इलेक्शन आ गया, कल भी जाके आया तो रहते ही नहीं. तो मैं कितने बार इलेक्शन में वोटिंग किया क्या आपने? नहीं, मेरा यहाँ पे नहीं है, मैं प्रॉपर नागपुर से हूँ. मेरे थैंक यू.